राजधानी दिल्ली में आगामी होने वाले एमसीडी चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी दिल्ली बीजेपी पर लगातार आरोप लगा रही है। दिल्ली बीजेपी पर एमसीडी की जमीन बेचने के आरोप लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आप नेता दुर्गेश पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के पार्षदों पर निगम की सरकारी जमीन को कब्जाने के आरोप लगाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्षद द्वारा लिखे गए असिस्टेंट कमिश्नर को पत्र का सबूत देते हुए दुर्गेश पाठक ने कहा कि बीजेपी की नॉर्थ एमसीडी से स्थानीय पार्षद मंजू खंडेलवाल ने अपने निजी हित साधने के चलते बकायदा असिस्टेंट कमिश्नर को पत्र लिखकर ढलावघर की जमीन को अपने पति के द्वारा चलाए जाने वाले एनजीओ को दिलवाया। साथ ही दुर्गेश पाठक ने कहा कि निगम चुनाव से पहले दिल्ली बीजेपी के पार्षद अपने निजी हितों को साधने के लिए जमीन को कब्जाने के साथ ही अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। ये सब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता की जानकारी के बिना होना असंभव है। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक ने कहा कि दिल्ली की जनता इस बार निगम चुनाव में बदलाव का मन बना चुकी है। अरविंद केजरीवाल को मौका देने जा रही है, इसको देखते हुए बीजेपी के नेता पूरी तरह से बौखला गए हैं। एक षड्यंत्र के तहत अपनी जेब भरने के मद्देनजर लगातार निगम की जमीनों को बेचा जा रहा है, भ्रष्टाचार किया जा रहा है। वहीं दुर्गेश पाठक ने कहा कि पिछले 6 से 7 महीनों से लगातार एक एक करके जमीनों को बेचा जा रहा है। इसका स्पष्ट प्रमाण गांधी मैदान, चांदनी चौक पार्किंग का प्रोजेक्ट, शिवा मार्केट, पीतमपुरा पार्किंग प्रोजेक्ट, कुतुब रोड पार्किंग की जमीन को बेचने का प्रस्ताव न सिर्फ लाया गया बल्कि पारित भी किया गया। 132 संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर को भी निगम ने बेच दिया। करोलबाग में भी जमीन को बेचा गया। शालीमार बाग में भी स्कूल की जमीन को बेचा गया। दुर्गेश पाठक ने कहा बीजेपी के द्वारा लगातार इन जमीनों को बेचने का प्रस्ताव न सिर्फ लाया गया बल्कि पास भी किया गया। सवाल उठने पर बीजेपी ने जवाब दिया, ये जमीन एनजीओ को दी जा रही है ताकि देखभाल की जा सके, लेकिन इस पूरे मामले में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ। सभी एनजीओ कहीं न कहीं बीजेपी के नेताओं से जुड़े हुए हैं। निगम के अंतर्गत आने वाली सरकारी जमीनों को बेचकर निजी हितों को साधने की कोशिश है। साथ ही दुर्गेश पाठक ने कहा कि नॉर्थ एमसीडी के अंतर्गत आने वाली ढलाव जमीन जो केशवपुरम जोन अशोक विहार के अंदर है, वहां पर निगम कमिश्नर द्वारा एक एनजीओ को ये जमीन दे दी गई। पंचवटी सोशल वेलफेयर नामक संगठन को ये ढलावघर की जमीन दी गई है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस वार्ड की वर्तमान पार्षद मंजू खंडेलवाल के पति राजेंद्र कुमार खंडेलवाल को ये जमीन दी गई है, जो सीधे तौर पर बड़ा भ्रष्टाचार है। अपने निजी हितों को साधने के लिए ये एनजीओ बीजेपी के नेताओं ने ही बनाया है, फिर उसी बीजेपी नेता की पत्नी ने अपने निजी हितों के चलते निगम की जमीन को एनजीओ को दिलवाया। टोटल न्यूज़ के लिए कुणाल शर्मा की रिपोर्ट।